तो तुमने खरीद लिया है एक हाई परफॉर्मेंस मेमोरी मॉड्यूल जिसे हम रैम कहते हैं इंडिया में, और मे बी ये है 3200 MHz या उससे भी ज्यादा। लेकिन जब तुम इसे लगा रहे हो अपने पीसी में, अपने बायस में चेक कर रहे हो, शायद तुम्हें उतना ज्यादा मिल नहीं रहा है, जो रेटेड स्पीड है उतना नहीं शो कर रहा है, तो तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड हो गया या कोई स्कैम हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको करने का एक सेटिंग है जो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, और साथ में मैं ये भी दिखाने वाला हूँ अगर तुम एक APU यूजर हो, तुम्हारे प्रोसेसर के अंदर जो ग्राफिक्स है उसके मेमोरी को तुम कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा तुम देख सकते हो मेरे यहाँ पे DDR स्पीड दिखा रहा है 2400 MHz, जबकि मेरा रैम सपोर्ट करता है 3200 MHz। तो इसे मैं चेंज करूंगा, और इसको करने के लिए सबसे पहले तुम्हें आना होगा OC सेटिंग में। यहाँ पे तुम्हें बस DRAM सेटिंग के नीचे जो AXMP प्रोफाइल है इसे तुम्हें बस प्रोफाइल 1 में सिलेक्ट कर लेना है। इसमें क्लिक करो और प्रोफाइल 1 में इसे सिलेक्ट कर दो, बस तुम्हारा काम हो गया है। अभी तुम्हें सेटिंग में जाना है और एडवांस को क्लिक करना है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है, और इसे क्लिक करते ही तुम्हारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में तुम्हें गेम मोड को हटा के इसमें क्लिक करना है, गेम मोड में क्लिक करना है और क्लिक करके इसको फोर्स कर देना है, और नीचे जो UMA फ्रेम बफर साइज है इसको ऑटो से हटा के मेमोरी तुम्हारे डिजायर्ड ऑप्शन में क्लिक करना है तुम्हारे रैम के अनुसार। अगर तुम्हारे पास 16 GB का रैम है सिंगल स्टिक या डबल स्टिक, तो तुम यहाँ पे 4 GB आराम से कर सकते हो। अभी ये सेटिंग को मैं क्लोज कर दूंगा, और क्लोज करने के समय ये चीज आएगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया है। मैं इसको यस कर दूंगा, और यस करते ही सिस्टम होगा रिस्टार्ट, और रिस्टार्ट करने के बाद ऐसे तुम देख सकते हो DDR स्पीड अप दिखा रहा है 3200 MHz। तो जल्दी से फटाफट विंडोज में घुसता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ विंडोज में किस तरह का सेटिंग शो कर रहा है। ऐसा तुम देख सकते हो विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के बाद यहाँ मेमोरी के टैब में यहाँ शो कर रहा है स्पीड जो है 3200 MHz, कौन से स्लॉट में लगा हुआ है वो भी शो कर रहा है, और यहाँ पे हार्डवेयर रिजर्व में 4.1 GB जो कि डेडिकेट किया गया ग्राफिक्स के लिए ये भी शो कर रहा है, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक 8 GB का रैम है, तो यहाँ पे तुम सिर्फ 2 GB ही देना अपने GPU के लिए, अगर तुम APU इस्तेमाल करते हो तो। और अगर तुम 2 8 GB के मेमोरी तुम्हारे सिस्टम में लगा हुआ है तो तुम 4 GB आराम से दे सकते हो, तो वो दोनों रैम से शेयर हो जाएगा। दोस्तों ये सेटिंग करने के समय एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अभी जो स्क्रीन में आपके सामने आ रहा है इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लें। आपका CPU या फिर APU और मदरबोर्ड दोनों इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए, जितना जितना स्पीड का आपका रैम है वो सपोर्ट करना चाहिए, और मस्ट है कि CPU सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका CPU सपोर्ट नहीं करता या इससे कम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है तो ये काम ठीक से नहीं करेगा और आपके सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और सबसे जरूरी बात, मदरबोर्ड के मॉडल के ऊपर और मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर के ऊपर वेरी करता है कि तुम अपने ग्राफिक्स के मेमोरी को कितना बढ़ा सकते हो। जैसे तुम देख सकते हो मेरे मदरबोर्ड में अप टू 16 GB तक मैं अपने ग्राफिक्स को दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे पास 32 GB या उससे ज्यादा मेमोरी अवेलेबल हो तो। ये मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड वेरी करता है, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें भी इतना ही मिलेगा, मैं भी तुम्हें इससे कम मिल सकता है या फिर इससे ज्यादा भी ऑप्शन मिल सकता है। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो से अगर तुम्हें कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को जरूर से याद करके अपने दोस्तों में शेयर करना अगर वो भी इसी तरह के सिस्टम बना रहे हैं या फिर न्यू रैम अपग्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। मैं मिलता हूं तुमसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।